everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about organism and population. This is 13th chapter of NCERT. तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश एंड बैम्बू, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में मतलब काफी बार ब्रीड करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, वो मतलब पूरे लाइफ टाइम में काफी बार रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. एंड और नेक्स्ट वाला पॉइंट है, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि लार्ज, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लार्ज है, ठीक है, मतलब उनका साइज जो है वो लार्ज है, तो क्या होगा, उनके जो रिप्रोडक्शन में या फिर वो एग ले कर रहे हैं या फिर बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनका लार्ज मतलब स्मॉल साइज है तो वो लार्ज नंबर में एग को या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. कैसे बोले मैंने कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल साइज है, मतलब स्मॉल साइज वाले ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, एनिमल होते हैं, तो वो लार्ज नंबर में मतलब जो न्यू ऑफस्प्रिंग उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस, ठीक है. तो ये कैसे हैं, इनका साइज कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो कई सारे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए, सब प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग. जैसे कि इस लार्ज साइज वाले, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, कैसे है, लार्ज साइज है, ठीक है, तो लार्ज साइज तो है, लेकिन इनका जो मतलब जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, इनका स्मॉल नंबर में होता है, ठीक है, मतलब एक या दो ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. और लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे, अगर हम हेंस की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो काफी अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, काफी सारे एग ले करते हैं, जैसे कि फिशर्स हो गए थे, ये काफी सारे अमाउंट में एग ले करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया, जैसे कि ऑयस्टर हो गया, मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल साइज है तो वो लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर में एग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर किसी भी एनिमल का लार्ज साइज है तो वो स्मॉल नंबर में एंड न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ओके. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज. जो भी इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो दो स्पीसीज के बीच में होता है, ठीक है, किसके बीच, दो स्पीसीज के बीच में होता है, दोनों ही सेम स्पीसीज होंगी, ठीक है. सेम स्पीसीज का मतलब जैसे कि एक दूसरे पर डिपेंड होंगी, ठीक है. तो ये क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया, ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे किस तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन सा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन एनिमल किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए हार्मफुल है और किसके लिए कोई भी इफेक्टेड नहीं है, जैसे कि न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब ना ही बेनिफिशियल ना ही हार्मफुल है, ठीक है. तो प्लस अगर आएगा, ठीक है, प्लस पॉइंट क्या डिनोट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेनिफिशियल के इंट्रैक्शन के बारे में, और अगर माइनस साइन आएगा तो उसको हार्मफुल के इंट्रैक्शन में आप रखेंगे, ठीक है. अगर जीरो साइन आएगा तो क्या रखेंगे उसे, न्यूट्रल, ठीक है, क्या हो गई ये, न्यूट्रल इंट्रैक्शन, ओके. अब हम बात करेंगे तो जो ये स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन बताया गया, तो कितने टाइप्स बताया गया है, सिक्स, ठीक है, कितने टाइप्स है, सिक्स टाइप्स है, ठीक है. अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर स्पीसीज ए स्पीसीज बी, ठीक है, अभी मैंने बताया दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि अगर प्लस प्लस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म, मतलब कि दो जो एनिमल हैं वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है. क्या वह किसमें अंडर में आएंगे, म्यूचुअलिज्म के अंडर में आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट अगर माइनस माइनस की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही, अभी मैंने बताया कि माइनस किसका डिनोट कर रहा था, हार्मफुल को, ठीक है, तो दोनों ही एनिमल्स जो होंगे वो एक दूसरे के लिए हार्मफुल होंगे, इसलिए माइनस माइनस का जो साइन होता है वो किसको डिनोट करते हैं,
हार्मफुल को, और ये क्या होता है कंपटीशन में आता है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे में दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव की। तो पॉजिटिव क्या होगा, एक बेनिफिशियल होगा, और निगेटिव क्या होगा, एक हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किसकी एग्जाम्पल है, प्रेडेशन का, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, प्रेडेशन को डिनोट करेंगे। और प्रेडेशन और पैरासिटिज्म जो होता है दोनों ही सिमिलर होते हैं, ठीक है, दोनों का ही अगर हम पॉइंट मतलब साइन की बात करें तो दोनों का ही पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव का इंट्रैक्शन अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर या फिर नीट के क्वेश्चन में आ गया कि पॉजिटिव निगेटिव का जो साइन होता है वो किसको डिनोट करता है, तो आप बता सकते हैं प्रेडेशन को भी डिनोट करता है और पैरासिटिज्म को भी डिनोट करता है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा पैरासिटिज्म में आता है, कौन सा प्रेडेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव और जीरो की। तो पॉजिटिव और जीरो जो होता है वो किसको डिनोट करता है, कॉमेंसलिज्म को, ठीक है, मतलब एक को तो क्या है बेनिफिट हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्या है दूसरे को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन हमारे आगे पीछे, ठीक है, तो एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉमेंसलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवेंसलिज्म की, ठीक है। तो ये जो डिनोट करता है वो माइनस और जीरो का साइन जो होता है वो किसको डिनोट करता है, एवेंसलिज्म को, ठीक है, मतलब एक को क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हार्मफुल हो रहा होगा, लेकिन दूसरे को क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एवेंसलिज्म का। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ाया था म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जो कि प्लस प्लस जो साइन होता है वो म्यूचुअलिज्म को शो करता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। तो टू डिफरेंट स्पीसीज बोथ आर बेनिफिटेड एंड नॉट सेपरेटेड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता है, बेनिफिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते थे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, तो एग्जाम्पल दे दिए, कई सारे ऑप्शन दे दिए, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, किसमें मैच कर रहा है। फिर देखिए, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लाइकेंस जिसमें कि फंजाई प्लस एल्गी होता है, ठीक है, मतलब लाइकेंस किससे मिलकर बना था, लाइकेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक है ना, तो क्या है ये, इसमें फंजाई प्लस एल्गी दोनों का ही मिक्सअप होता है, जिसमें कि फंजाई एल्गी के लिए बेनिफिशियल होता है और एल्गी फंजाई के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, म्यूचुअलिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकोराइजा बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन हायर प्लांट ऑफ रूट। तो माइकोराइजा जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं, जो हायर प्लांट ऑफ होते हैं उनके रूट पे डिपेंड होते हैं और वहीं से अपना फूड ले रहे हैं, ठीक। जैसे कि माइकोराइजा बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और जो हायर प्लांट होते हैं वो क्या होता है, उनका जो फोटोसिंथेसिस है वो फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाते हैं, तो वो किसको देते हैं, इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया उनसे क्या ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले लेते हैं, और नाइट्रोजन किसको दे देते हैं, प्लांट को दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है फिग स्पीसीज का। तो फिग स्पीसीज प्लांट कीप ऑन अ वास्प। तो जो फिग स्पीसीज होता है वो किसमें होता है, प्लांट उसमें वास्प, मतलब फिग प्लांट जो होते हैं उनमें क्या रहते हैं, वास्प रहते हैं। वास्प क्या होते हैं, एक इंसेक्ट के तरीके होते हैं, ठीक है, आप उसको सर्च करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये वास्प होते हैं वो फिग स्पीसीज के मतलब जो भी प्लांट फिग स्पीसीज प्लांट जो होते हैं उनके फ्रूट के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर पॉलिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और एग ले करते हैं वहां पर और उनसे फूड भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस किस में करते हैं, फिग स्पीसीज के प्लांट में करते हैं। तो फिग स्पीसीज को क्या होता है कि वो उसके अंदर रहकर मतलब उनको क्या मिलता है उनसे, तो वो क्या करते हैं, जो वास्प होते हैं वो उनसे क्या ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिग स्पीसीज होता है उनसे क्या होता है, वो अपने लिए हाँ मतलब यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो वो वास्प को यूज करते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोमोफिलस की। तो एंटोमोफिलस फ्लावर डिपेंड ऑन अ मेल बी। एंटोमोफिलस फ्लावर में कौन रहते हैं, मेल बी, ठीक है। तो मेल बी के लिए क्या है,
वो पॉलन भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, मतलब एंटेमोफिलस क्या है, एक प्लांट है जिसको जिसके लिए पॉलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलन क्या कर रहे हैं, ये अपना पॉलन लेके दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके लिए यूजफुल है, एंटेमोफिलस फ्लावर के लिए, ठीक है। और मेल बी का क्या यूज हो रहा है, तो मेल बी का क्या प्रॉफिट हो रही है, तो मेल बी क्या करते हैं उसके पावर मतलब उसी फ्लावर में रहकर स्यूडो कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वो उस फ्लावर में रहता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, वो उसका पॉलन लेकर दूसरे प्लांट में दे रहे हैं जाके और डाल रहे जाके, और ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रहकर स्यूडो कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। तो हमने यहाँ आपको चार एग्जाम्पल पढ़ाए, ये चारों ही आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपटीशन की, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा म्यूचुअलिज्म डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे कंपटीशन की। तो जो कंपटीशन होता है इसमें क्या होता है, ये माइनस माइनस मतलब इसका जो शाइन होता है वो माइनस माइनस का होता है, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेन द सेम रिसोर्सेज, जैसे कि कोई रिसोर्सेज है जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, तो इन सब के लिए क्या होता है, लड़ाई चलती है ना, ठीक है। तो अगर किसी भी दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी भी एक रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो रही थी, तो दोनों का ही लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, चांसेस होता है, तो ये क्या है, ये एक कंपटीशन होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन। तो दो टाइप का कंपटीशन होता है, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, इंटर स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अब दोनों के डिटेल देख लेते हैं कि क्या होता है इंटर स्पेसिफिक, क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक। नेक्स्ट तो हम बात करेंगे पहले इंट्रा स्पेसिफिक की, ठीक है। कॉम्पिटिशन बिटवीन सेम स्पीसीज, अगर किसी भी जो ग्रुप है, ठीक है, सेम स्पीसीज का ग्रुप है, उसके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक की, तो क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कोई और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और कोई और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये हो गया सबसे ज्यादा, अगर हम मोस्टली की बात करें कि कौन सा सबसे ज्यादा होता, तो हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अगर मतलब ज्यादातर जो भी कॉम्पिटिशन होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में ही होता है, ओके। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, तो गैलापागोस आइलैंड इज डॉर्मेंट फिंचेस, जो कि हमने उसमें डिस्कस किया था, तो जो वो एग्जाम्पल डॉर्मेंट फिंचेस का था, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कंपटीशन का, ठीक है। किसने किसमें हुआ था, गैलापागोस आइलैंड में डिस्कवर किया था डॉर्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो है वो जी एफ गाउस, गिवन कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, जो जी एफ गाउस थे उन्होंने ही बताया था कि कंपटीशन जो है मेनली किसमें होता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। जो डिफरेंट स्पीसीज का कंपटीशन मतलब जो बताया था वो कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था, जी एफ गाउस साइंटिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक आर्थर, गिवन कंपटीशन बिटवीन सेम स्पीसीज बट सम टाइम कॉम्प्रोमाइज आर पॉसिबल, तो जो मैक आर्थर साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि कंपटीशन जो है वो सेम स्पीसीज के बीच में भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों को ये आपको याद रखना है कि डिफरेंट स्पीसीज का एग्जांपल किसने दिया था, जेफ गाउस ने, और सेम स्पीसीज का एग्जांपल किसने दिया था, मैक आर्थर ने, ठीक है। और मैक आर्थर ने ये भी बताया था कि मोस्टली कॉम्पिटिशन तो होता है लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, ठीक है, तो कंपटीशन नहीं हो पाता है कभी कदार, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था मैक आर्थर ने। अब हम बात करेंगे प्रेडेशन की, तो वो क्या है, उसमें जो अगर हम साइन को देखें तो साइन को साइन इसका कैसा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एक एक जो है वो बेनिफिशियल होता है और एक क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन किसका, प्रेडेशन का, ओके। इसमें देखते हैं वन स्पीसीज प्रॉफिट एंड वन स्पीसीज और लॉस, वही मैंने बताया, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रेडेटर जैसे आपका क्या है, स्नेक, ठीक है, क्या है, स्नेक आर मोस्टली एनिमल प्रेडेशन जो होता है, प्रेडेशन आर मोस्टली एनिमल कार्निवोरस एनिमल ईट अप अदर हर्बीवोरस एनिमल ईट प्लांट एंड सीड, ठीक है। देखिए जैसे कि स्नेक हो गया, ठीक है, तो वो किसको ईट करते हैं, फ्रॉग को, ओके, मतलब मोस्टली किसको, हर्बीवोरस को, जो कि प्लांट वगैरह को खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेडेटर मोस्टली कौन होते हैं, स्नेक, अगर वो फ्रॉग को खा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेडेटर कौन हो गया, स्नेक, और अगर हम बात करें प्रे की तो वो क्या है, फ्रॉग, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेडेशन का, ओके।
नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट, तो इसमें इंसेक्ट क्या है, एक प्रे है, ओके। और अगर इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस की बात करें तो वो क्या है, प्रेडेटर है, ओके। तो वो एक दूसरे के लिए क्या है, हार्मफुल है, और एक के मतलब एक के लिए क्या है, बेनिफिशियल, क्योंकि वो उसको खा रहा है तो उसके लिए क्या है, बेनिफिट है, लेकिन जो डेथ हो रही है वो क्या है, उसके लिए तो हार्मफुल है ना। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेडेशन का, ठीक है। तो अगर हम प्रेडेटर की बात करें, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अगर नाम देखें तो क्या है, यूट्रिकुलेरिया एंड नेपेंथिस, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथिस जो होता है वो इंसेक्ट को अपने मतलब अगर उनके पास में आसपास इंसेक्ट कोई आ जाता है तो वो उन्हें अंदर नेक्टर लगा होता है, तो नेक्टर के थ्रू क्या होता है, वो उसके अंदर एक अंदर चले जाते हैं जिसके, और जो ये प्लांट होता है वो उनको खा लेता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेडेशन का। फिर हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस ईट बाय मॉथ, जो मॉथ होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर प्रे की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस क्या है, एक प्रे है, और मॉथ की बात करें तो वो क्या है, प्रेडेटर है, ओके। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, जो कब दिया था, 1920 में साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रेंजलैंड, ठीक है, क्या नाम था, रेंजलैंड। तो ये पूरी जो एग्जांपल है वो किसने दिया था, रेंजलैंड साइंटिस्ट ने 1920 में, जिस उन्होंने बताया कि ये प्रेडेशन का बेस्ट एग्जांपल है। फिर देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, जो कि पैरासिटिज्म है, ये भी एक मतलब ये भी प्रेडेशन के तरीके ही होता है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, मतलब एक जो एक के लिए बेनिफिशियल होता है और एक के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ओवर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्टेन फूड बाय होस्ट। तो इस तरीके से जो जो भी है, मतलब इसमें क्या होता है, होस्ट होते हैं जो कि किसी भी मतलब किसी को भी होस्ट अपना बना लेते हैं और उनसे अब क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। जैसे कि पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, ठीक है। इसमें आपका पूरा लाइफ साइंस की भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, जैसे कि पैरासिटम दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो होते हैं जो कि सरफेस को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब कि जो बॉडी के बाहर से ही आपका जो है न्यूट्रिशन ले लेते हैं पूरा, ठीक है, जैसे कि ब्लैडर, ब्लड सकिंग, ठीक है, जो कि हीरोडिनेरिया जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल है, ओके, जिन्हें आप जोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्टोपैरासाइट का। तो ऐसे मतलब ऐसे एनिमल जो कि होस्ट के सरफेस से ही अपना न्यूट्रिशन पूरा ले लेते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, एक्टोपैरासाइट। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सकिंग लाइज हो गया और फ्लाइज हो गया, तो ये एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट का, ठीक है। अब हम इंडोपैरासाइट की बात करें, तो इंडोपैरासाइट क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के अंदर जाकर उनके मतलब उनके जो ऑर्गन होता है उन्हें हार्म करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उनको हार्म करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मलेरियल पैरासाइट हो गया, और सेकंड एग्जांपल जो है बॉडी फ्लूड पैरासाइट, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा हो गया और माइक्रो फिलेरिया हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा जो होता है, माइक्रो फिलेरिया जो होता है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडोपैरासाइट का। तो इस तरीके से हमने बताया कि इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट क्या होता है और इनके एग्जांपल क्या होते हैं, ठीक है। जो सरफेस से इफेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट को तो वो क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। जो बॉडी के अंदर जाकर होस्ट मतलब होस्ट को हार्म करते हैं तो वो किसके एग्जांपल है, एंडोपैरासाइट के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे और एग्जाम्पल की, तो और एग्जाम्पल हम बात करेंगे जैसे कि ह्यूमन लाइज हो गया, ठीक है। तो ह्यूमन लाइज क्या होता है, हेयर में रह के बाहर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, थीके? तो ह्यूमन बींग को इफेक्ट करता है, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लू के डिपेंड ऑन टू होस्ट, जो ह्यूमन लिवर फ्लू होता है बॉडी के अंदर जाकर किसको इफेक्ट करता है, फिश को और स्नेल को इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर देखते हैं कस्क्यूटो प्लांट डिपेंड ऑन अनदर प्लांट, जो कस्क्यूटो प्लांट होता है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, जैसे कि क्योंकि कस्क्यूटो प्लांट जो होता है उनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है, जिसके कारण वो अपना फूड नहीं बना पाते, ठीक है, तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म का, ओके। तो फिर हम लास्ट हमारा हेडिंग है, ठीक है, जो कि आपका मतलब केवल आपके एनसीईआरटी में केवल 5 हेडिंग दे रखी है, ठीक है। तो कॉमन सेलिज्म हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कॉमन सेलिज्म क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक जीरो होता है, मतलब एक के लिए क्या है, बेनिफिशियल और दूसरे को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अनदर, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, दूसरे को ना प्रॉफिट हो रही है ना ही लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉमन सेल एग्जाम का। अब इसके एग्जाम्पल कई सारे देख लेते हैं जिसमें कि कैटल इग्रेट प्लस ग्राजिंग कैटल। तो ग्राजिंग कैटल देखिए हमने, ये देखिए डायग्राम है, ग्राजिंग कैटल है वो क्या है, काऊ है, ठीक है। अगर हम कैटल इग्रेट की बात करें तो वो क्या है, साइड में बर्ड है, ठीक है। वो क्या है, तो जैसे कि काऊ जो है वो जब घास खाने जाती है तो घास खाती है, घास को जब खा लेते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े घास में छिपे रहते हैं, ठीक है। तो जब घास को खा लेते हैं तो वो कीड़े दिखाई देने लगते हैं। तो पास में जो जो भी बर्ड होती है, ठीक है, जिन्हें हम कैटल इग्रेट बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पास में ही रहते हैं, जिसके कारण जब जब वो कीड़े उन्हें दिखने लगते हैं तो वो कीड़े को खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो काऊ होते हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उन्हें तो घास खाने से ही मतलब होता है, ठीक है। तो वो जैसे ही घास खाते हैं तो कीड़े दिखने लगते हैं, तो वो जो कैटल इग्रेट होता है वो घास में छिपे हुए कीड़े को खा लेता है। तो फिर क्या होता है, एक को प्रॉफिट हो रही है लेकिन दूसरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से कैटल इग्रेट जो है उसे मतलब कीड़े खाने का मौका मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन काऊ जो है, जो कि ग्राजिंग कैटल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि मेरे आसपास कोई है भी या फिर उसे कोई प्रॉफिट भी हो रही है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है ऑर्चिड एंड मैंगो ट्री, ठीक है। तो ऑर्चिड जो होता है वो किसमें रहता है, मैंगो ट्री में, ठीक है। ऑर्चिड जो होता है मैंगो ट्री में ग्रो करते हैं, लेकिन जो ऑर्चिड होता है वो मैंगो ट्री से सब कुछ ले लेता है, ठीक है, उसका जो पूरा न्यूट्रिशन वगैरह होता है सब कुछ ले लेता है, लेकिन जो मैंगो ट्री होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्नेकल एंड वेल। वेल जो होता है, वेल कितनी बड़ी सी होती है, ठीक है। बर्नेकल जो होता है वो उसके बॉडी पे रह के उसके सारा न्यूट्रिशन बाहर से ही लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बर्नेकल जो होता है वो वेल के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन वेल तो इतनी बड़ी होती है लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि बर्नेकल उसकी बॉडी पे है, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बर्नेकल जो है वो वेल पे मतलब वेल से अपना न्यूट्रिशन पूरा ले रही, मतलब उसको बेनिफिट हो रहा, लेकिन वेल को क्या है, वो तो इतनी बड़ी है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी एनिमॉन की। तो सी एनिमॉन प्लस क्लोन फिश। सी एनिमॉन क्या होता है, सी एनिमॉन जो होता है वो क्या होता है, एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो उसके उसमें कई सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मतलब सी वाटर में रहते हैं, मतलब सी वाटर के सरफेस में जो रहते हैं, ठीक है, नीचे साइड, तो उनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर क्लोन फिश जो है वो आराम से वहां पर रहती है। लेकिन जो क्लोन फिश है उसे तो मतलब वो वहां पर अच्छे से रह रही, लेकिन जो सी एनिमल है उन्हें कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आराम से एज अ घास के तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लोन फिश उनके आसपास है भी, तो क्लोन फिश आराम से उनके पास रहती है। तो इस तरीके से क्लोन फिश को तो प्रॉफिट हो रही होती है, बेनिफिट हो रही होती है, लेकिन सी एनिमल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। तो इतने सारे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया आपको कॉमेंसलिज्म के, ठीक है। अब इसका पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द इज पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस इंडिकेट। तो इसमें जो पिरामिड होता है, हमने पिरामिड वाला पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि तीन टाइप के पिरामिड होते हैं, ठीक है, एक ग्रोथ वाला होता है, एक स्टेबल वाला होता है, एक डिक्लाइन वाला होता है, उसमें देखते हैं। तो जो इज पिरामिड होता है मतलब जो कि पूरी चीज को सिक्वेंस से ग्रो कर रहा होता है, जिसमें कि जो प्री फर्टिलाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन वाले ज्यादा होते हैं, फिर क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। उस तरीके से मतलब सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होते हैं। तो उसी का एग्जांपल है कि द इज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, मतलब बेस में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल, ठीक है, क्या रहते हैं, हाई परसेंट ऑफ यंग इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नोटेलिटी रिफर्स टू, नोटेलिटी का मतलब क्या होता है, वो भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के पूरा वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, नोटैलिटी मोर्टैलिटी मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, जिसमें कि नोटैलिटी क्या होता है, एक बर्थ होती है, ठीक है। अगर हम बर्थ रेट को देखेंगे तो उसे हम साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, नोटैलिटी, ठीक है। जिस तरीके मतलब इस नोटैलिटी मोर्टैलिटी की लैंग्वेज से ही आप पॉपुलेशन को पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है।
फिर देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। तो इक्वेशन भी मैंने पढ़ाई थी लास्ट, अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो टेबल होता है, पूरा जो इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, डी एन क्वांटिटी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपन कैपिटल एन। ठीक है, ये पूरे मैंने प्रोसेस ये जो पूरी इक्वेशन मैंने आपको डिस्कस कराई थी एंड पूरा लर्न भी कराया था। ठीक है, कि इसको पूछा जाता है और वो आ भी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे माइक्रोराइजर एग्जांपल। अभी मैंने बताया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि माइक्रोराइजर किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो माइक्रोराइजर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटेमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि एंटेमोफिलस फ्लावर्स जो होता है वो किसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है जो एंटेमोफिलस फ्लावर होता है उनमें क्या होता है, पॉलिनेशन भी हो रहा होता है। ठीक है, और जो मौत होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या करते सेडो कॉपुलेशन कराते हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं कि एग्जांपल आपको दे देंगे पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में, और इस तरीके से म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म, कॉम्पिटिशन, एमेंसलिज्म, इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दे दे देंगे। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ये एग्जाम्पल का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय। तो अभी बताया मैंने कि जो कॉम्पिटिटिव के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि सेम स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन किसने दिया था और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन किसने दिया था। ठीक है, तो जो सेम स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन दिया था वो किसने दिया था, मैकआर्थर ने दिया था, और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में किसने दिया था, जे एफ गाउस ने दिया था। तो वही क्वेश्चन दिया गया कि डिफरेंट स्पीसीज के कॉम्पिटिशन के बीच को किसने डिस्कस किया था। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था, तो आप क्या बताएंगे, जे एफ गाउस ने। ओके, तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, कई सारे साइंटिस्ट के नाम दिए गए होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका नाम इकोलॉजी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।